अब वो बकर खेल रहे हैं जी घोड़े से, और घोड़े की जो एक टांग है ना वो टूट गई है, और ये घोड़ा फिर भी चलाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। तो क्या कर रहे हो अबू बकर, नानी क्या कर रहे हो आप, घोड़ा क्या कर रहे हो, घोड़ा से खेल रहे हो, क्या कर रहा है घोड़ा आपका, आपका घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, नुआ नुआ कर रहा है। अच्छा जी, रो रहा है घोड़ा क्योंकि एक घोड़े की टांग टूट गई है। टांग टूट गई है घोड़े की, टांग टूट गई है। अच्छा, और क्या कर रहा है घोड़ा आपका आप क्या कर रहे हो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से हंसते मुस्कुराते खुश अकरम होंगे। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई थी, जो भी वीडियोस मेरे पास पहले से बनी हुई थी वो ही मैं अपलोड करती रही हूँ, क्योंकि मुझे बुखार था, काफ़ी तेज़ बुखार था, ब्लड प्रेशर भी हाई था, तो हिम्मत ही नहीं थी वीडियो बनाने की। इवन वीडियो क्या बनाने की, कोई कुकिंग भी नहीं की मैंने, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर उठने की, खड़े होने की। और तो अब काफ़ी बेहतर है तबीयत, तो आज रात को मैंने खशखाश भिगो दी थी, तो मैं खशखाश बनाऊंगी, और इसकी वीडियो जो है वो मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो तफसीलन वीडियो है, जो कि आज तो मैं वैसे ही आपसे बात कर रही हूँ और साथ साथ खशखाश बनाऊँगी, तो वो वीडियो जो है, वो तफसील वाली वीडियो जो है वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो ये तकरीबन एक कप खशखाश थी, इसको मैंने धो दिया था, पानी में भिगो दिया था, और अब जो है ना मैं इसको धोऊंगी, और इसके धोने का तरीका भी मेरी उस वीडियो में मौजूद है। यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि मैं इसको निथार लूँगी, एक और बर्तन लूँगी, और इसको ऐसे ऐसे करके पानी को सॉरी पानी को दूसरे बर्तन में मुंतकिल करूँगी, और पीछे जो है वो मिट्टी रह जाएगी, फिर इसी तरह मैं पलटाऊँगी दूसरे बर्तन में, और ये जो है साफ़ खशखाश जो है वो मुझे हासिल हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको धोने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, बाकी बातें बाद में करते हैं। खशखाश को अच्छी तरह धोने के बाद, निथारने के बाद मैंने इसको डाला है ग्राइंडर में, और थोड़ा सा दूध डाल दिया है, इसको मैं बहुत ही बारीक सा पीस लेती हूँ ग्राइंडर में डालकर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खशखाश देखें हमने बहुत ही बारीक कर ली है, हमने पीस ली है, और यहाँ पर चार खाने के चम्मच घी में एक दरमैने साइज की प्याज काट के डाली थी, जो कि हो चुकी है ब्राउन। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, तकरीबन 3 अदरक दरमियाने साइज के काट टमाटर डाल दिए हैं, टमाटरों को थोड़ा सा नरम होने देंगे। अच्छा जी, ये टमाटर जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ हमने इसमें क्या क्या मसाले डालने हैं, और टमाटर को इस तरह मैं मैश भी कर रही हूँ साथ साथ, ताकि ये अच्छे सा मिक्स हो जाए, धुल जाए टमाटर। तो मसालों में हम वैसे तो हसब जायका नमक मिर्च लेते हैं, जो भी मसाले होते हैं आप उसको अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मसाले जो होते हैं वो वही रहेंगे। नमक लिया है मैंने हसब जायका, आप ले लें, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, अदरा मिर्च 1 चाय का चम्मच ली है, थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है मिक्स, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, 2 चुटकियाँ कलौंजी ली हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, ये थोड़ी सी फैल जाती है इसलिए ज़्यादा लगती है, अदरवाइज़ ये बराबर ही हैं, 1/2 चाय की चम्मच हल्दी ली है, कलर से अच्छा आएगा बहुत, इससे थोड़ी सी ज़्यादा लिया वरना इसमें कम डालती, और 1/2 चाय से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है धनिया पिसा हुआ। तो ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें डाल दिए, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, ठीक है जी, और इसको 4-5 मिनट अच्छा सा भूनेंगे हम। मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन गया है, देखें ऑयल भी छूट गया है इसका। तो अब हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं इसमें खशखाश, ये हमारे पास जो पीसी हुई खशखाश पड़ी है हमने पीस ली थी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छी तरह इसमें मैं इसको साफ करके डाल दूंगी। तो अब हम इसको भूनते हैं खशखाश को मीडियम फ्लेम पर, तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसे भूनेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लगा कर भूनेंगे, वैसे तो इसमें है पानी काफ़ी सारा। खशखाश देखें भून रही है, इसकी रंगत भी बदल गई है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद और भी भूनूंगी,
और ये जो है ये बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इतनी फ़ायदेमंद होती है कि आप जब इसको एक दफ़ा इसके फ़ायदे जान लेंगे तो फिर आप इसको लाजमी बनाएंगे। हम हर गर्मियों में इसको लाजमी बनाते हैं 3 से 4 दफ़ा। ये ठंडी होती है, सुकून देती है, गर्मी में नींद लाती है और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। बच्चों को फरवा करती है ये, और सर्दियों में भी ये अच्छी होती है। इसका हलवा बनाया जाता है, इसको दूध में डाल के पिया जाता है और बच्चों की खांसी वगैरह के लिए भी ये मुफीद है। सर्दियों में ये दी जाती है उनको, और इसके अलावा इसको हम पंजीरी वगैरह में भी डालते हैं, बहुत सारे खानों में भी डाला जाता है इसको, कोफ्तों वगैरह में और कोरमा वगैरह में पीस के। तो ये बहुत ही अच्छी होती है। आप इसको इसमें अंडे डाल के भी बना सकते हैं, जैसे ये भून गई है तो आप इसमें अंडे भी शामिल कर सकते हैं, आप इसमें छोटे छोटे आलू भी काट के डाल सकते हैं, आप इसको कीमे में भी डाल के पका सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। जितनी तरकीबें हैं, जो जो हर किसी का अपना जायका है, आप इसको अपने तरीके से बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको मज़ीद भूनूंगी थोड़ा सा। भूनने के बाद ना अच्छी तरह, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल कर दिया है, हरी मिर्च डाल दी है खुशबू के लिए। तो अब इसको मैंने रख दिया है हल्की आंच पर पकने के लिए दम पर। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं चूल्हे को ऑफ कर दूँगी। तो तैयार है जी हमारी खुशखाश। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, एंड तक देखा करें। फीडबैक में मुझे आपने बताना है, और इसके अलावा और कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।